हेलो फ्रेंड्स, तो हम फिर से आ गए हैं नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं किसी बाइक के जो पेट्रोल की होती है उसमें से जब पेट्रोल निकलना बंद हो जाए या कम आ रहा हो, प्रेशर कम आ रहा हो, टंकी में फुल हो, या बाइक चलते वक्त झटके ले रही हो और पेट्रोल बराबर नहीं आ रहा हो, तो उसमें क्या करें। तो सबसे पहले ये नट खोलना है और हमें पेट्रोल टी निकाल लेनी है। तो हमने देखे पेट्रोल टी निकाल ली और उसमें जो ये फिल्टर लगे हुए होते हैं तो ये चोक हो जाते हैं। इस पाइप के अंदर से पेट्रोल अंदर जाता है तो जो फिल्टर लगे होते हैं वो चौक हो जाते हैं। एक तो नीचे जो इसको हांडी बोल देते हैं, मटके टाइप में होता है, इसको खोलना है एंटी क्लॉक वाइज, और इसके अंदर एक फिल्टर जाली लगी होती है उसको साफ़ कर लेना। हर सर्विस पर इसको साफ़ करवाना है क्योंकि इसी से फिल्टर होकर हमारा पेट्रोल कार्बोरेटर में जाता है। इस जाली फट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि हम जो पेट्रोल कार्बोरेटर में जाता है वो कार्बोरेटर में कचरा चला जाता है, जिसकी वजह से कार्बोरेटर ओवरफ्लो होने लग जाता है। को साफ़ करके वापस टाइट कर देना है। रबर रिंग का ध्यान रखना, जो ओ रिंग लगी होती है, और मात्र ये 10 रुपये की जाली आती है, इसमें डाल लेनी है, इससे कि हमें खर्चा कम आता है। देखिए कलर का कितना डिफरेंस है, वो ख़राब हो चुकी है। क्या मिस्त्री क्या करते हैं कि पूरी पेट्रोल टी चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है। 120 या 150 के आसपास, 150 के आसपास पेट्रोल टी आती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और ये फिल्टर हम अगर चेंज करवाते हैं तो मात्र 10 रुपये में हमारे पेट्रोल टी वापस नई जैसी हो जाती है। इसके साथ हमारे पास कुछ और पेट्रोल टी हैं, वो हम दिखा देते हैं। ये सिटी शॉप प्लैटिना बजाज की बाइकों में, ज़्यादातर बाइकों में यही लगती हैं, जो कि दो मॉडल आते हैं। एक तो लॉक वाली है जो चाबी से चलती है और दूसरी एक सिंपल आती है। तो अगर आप सिटी में रहते हैं और पेट्रोल चोरी की ज़्यादा समस्या होती है तो आप लो क्वालिटी लगवाएं पेट्रोल की। ये ऑफ है फिलहाल, ऐसे घुमाएंगे तो रिजर्व में लग जाएगी, इस साइड ऑन में लग जाएगी। इसमें डबल फिल्टर आते हैं जो कि रिजर्व का अलग होता है और ऑन का अलग होता है। ये HF की है जो अभी आपको साफ़ करके दिखाई थी पेट्रोल। इसमें सिंगल फिल्टर आता है जिसमें रिजर्व का और ऑन का दोनों एक में ही आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे रिजर्व चलता है और कैसे ऑन चलता है। कई ग्राहकों को समस्या आ जाती है कि ऑन और रिजर्व कैसे चलता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे डिटेल्स में। वीडियो पूरे देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये 6600 जो प्लैटिना बजाज वाला ओल्ड मॉडल है, ओल्ड न्यू सब में यही लग जाता है, सिंपल वाला। और एक हमारे पास दिखाया था वो चाबी वाला है, और ये HF का है। हम रिजर्व के बारे में बताएंगे आपको। ये पाइप लगी हुई है, इसके ऊपर अगर पेट्रोल का फ्लो होगा वो ऑन में आएगा पाइप के ज़रिए। अगर हम इसको रिजर्व में लगाएंगे तो आप इसके अंदर होल देख सकते हैं, इसके अंदर एक होल बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पाइप निकाल लेते हैं, जो कि पाइप काफ़ी टाइट है इसलिए नहीं निकल रही, आप ऐसे ही देख लें। इसके अंदर एक होल बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसको रिजर्व में लगाते हैं तो ये नीचे जो नीचे वाला फिल्टर से होता हुआ पूरा जो लोअर जो इसका गेज है वहाँ तक का पेट्रोल खींच लेगा उस जो होल दिया हुआ उसके ज़रिए। और ऑन में रखेंगे तो जो पाइप लगी हुई है उसी के ऊपर जो लेवल होगा वहाँ से पेट्रोल अंदर लेगा। तो आप अगर अपनी बाइक में ऐसे करना चाहते हैं कि हमारे रिजर्व में ज़्यादा पेट्रोल रखें, तो उसकी जो अंदर ये पाइप है उसकी लेंथ बढ़ा लें। आप जितनी बढ़ाएंगे उतना पेट्रोल आपका रिजर्व में स्टोर रहेगा, और जितनी हाइट छोटी करेंगे उतना पेट्रोल कम रिजर्व में रखेगी बाइक। तो ये अपने आप कर सकते हैं आप। ये पाइप निकाल कर आप चेंज करके थोड़ी हाइट की लंबी पाइप लगाएंगे तो आपकी बाइक रिजर्व में ज़्यादा पेट्रोल रखेगी। और इसको ऑन करेंगे तो जो पाइप के ऊपर वाला टॉप फ्लोर है वहाँ से पेट्रोल खींचेगी, और रिजर्व में करते हैं आपका नीचे जो नट के लिए पास होल है वहाँ से। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल MA बाइक क्रू को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो वीडियो नॉलेज की आपको आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक।